बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज यानी कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 से हमने पहले एक दो तीन लेक्चर्स हमने देखे हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, ठीक है, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक देखा। सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक में क्या था कि हम फंक्शंस में यू सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, फंक्शंस को थोड़ा सिंपल बनाकर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जो फंक्शंस डायरेक्टली उसी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो रहे होते या उसकी फॉर्म हमें समझ नहीं आ रही होती कि किस इस पर कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा या कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में तकरीबन सब क्वेश्चन जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, -2x/4 x² का स्क्वायर रूट, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से आप देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो एक फंक्शन आपको गिवन है 4 x² और उसके ऊपर पावर है 1/2। चले मैं पावर की फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो ये क्या बनेगा, -2x/4 x² की पावर हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से आप देखें फंक्शन क्या है, 4 x², उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं कि यानी कि इसका डेरिवेटिव 4 x² का अगर आप डेरिवेटिव लें 4 x² का d/dx ऑफ दिस, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4 का कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस उसके बाद x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू -2x आ चुका है इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 4 x². अगर आप इसको फंक्शन कंसिडर करें 4 x² को, ठीक है, लेट f(x) है ये इज इक्वल टू 4 x², तो क्या होगा, तो इसको डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू -2x है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि f′(x) इज इक्वल टू -2x। तो यानी कि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन मौजूद है, फंक्शन की पावर है, जिसको हम ऐसे करते हैं फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, 4 x² की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड तो अब होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जा चुके हैं, और साथ में -2x मौजूद है, -2x, और इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है f(x) और उसकी कोई ना कोई पावर है, यानी कि 1/-1/2 पावर है, तो हम इसको लिख देते हैं कि पावर n है, ठीक है, जनरल मैं लिख रहा हूँ, और इसका ये यहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद है फंक्शन का, और साथ में ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये थ्योरम बन चुका है, पावर रूल आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय जो पावर बनी है उसी से हम डिवाइड करते हैं, और प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन बनती है, ठीक है। ये तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व हो सकता है, तो हमें चूँकि ये इसलिए फंक्शन गिवन है आसान, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, किस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है और उसको किस तरह से फिर इंटीग्रेट करना है। तो चलें हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूँ, -2x है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 x² का स्क्वायर रूट, और इसको इंटीग्रेट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, यू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर कोई भी वेरिएबलिटी आप यानी कि पैरामीटर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जगह, या फिर आपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो एक तो ये है कि मैं ये फंक्शन किस वजह से कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 x² है, इसकी वजह से लग रहा है ना, क्योंकि ऊपर तो सिंपल -2x एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि 4 x² को इज इक्वल टू यू, सपोज कर लेते हैं लेट
u is equal to 4 minus x square. अब हमने क्या करना है कि 4 minus x square की जगह चलें आ जाएगा क्या u और उसके ऊपर square root है, ठीक है. उसके अलावा dx को भी replace करना है हमने क्योंकि function u का बन चुका है, ये u है तो इसका हम differential ले लेंगे जो हमने suppose किया हुआ है. du is equal to minus 2x dx, ठीक है. ये मैंने दोनों साइड पे इस इक्वेशन का यानी कि डिफरेंशियल फाइंड कर लिया तो du इक्वल आया minus 2x dx, यानी कि minus 2x dx की जगह हम du को रिप्लेस कर सकते हैं. यहां पर आपको न्यूमरेटर में minus 2x dx नजर आ रहा है, इसकी जगह हम du लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये बन गया इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू du किसकी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u की. तो ये बहुत ही सिंपल आपके सामने फंक्शन आ चुका है. या फिर हम इसको ऐसा करते हैं न्यूमरेटर में ले जाएं अगर तो u पावर -1/2 बन जाएगा इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u. तो इससे आसान मेरे ख्याल के आपको कोई और फंक्शन मिलेगा, ठीक है. तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर वाला थ्योरम, क्योंकि साथ में अगर आप कहें कि ये फंक्शन है u पावर -1/2, चलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं u की पावर क्या है -1/2 और साथ में 1 तो मौजूद ही होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो उसको हमने du के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो ये पावर रूल यहां पर अप्लाई हो जाएगा u पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, ठीक है. तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि u पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी. अब हमें फंक्शन गिवन था x की, x का फंक्शन गिवन था, अब हम उसको दोबारा से यानी कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज की थी u की, u इज इक्वल टू 4 minus x square, तो अब हम u को दोबारा से रिप्लेस करेंगे 4 minus x square से, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा 2 square root of 4 minus x square plus c, ठीक है. तो ये यानी कि इंटीग्रेशन आ चुकी है किसकी minus 2x divided by 4 minus x square का square root और उसको हमने इंटीग्रेट करना था with respect to x जो कि इक्वल आ चुका है 2 square root of 4 minus x square का square root plus c. अच्छा एक और चीज यहां पर नोट करने वाली थी, शायद कुछ लोगों ने की हो कि अब ये हमारे पास गिवन है और हमने सब्स्टिट्यूशंस जो पढ़ी थी तो हमने वहां पर देखा था एक तो ये है कि जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसके उसमें हमने u पुट कर देना है यानी कि u को रिप्लेस कर देना है, u को सब्स्टिट्यूट कर देना है. लेकिन हमने एक और सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी कि चलिए मैं दोबारा से ये फंक्शन लिखता हूं minus 2x over 4 minus x square का square root, इसको हमने integrate करना with respect to x. तो हमने पढ़ा था substitution के topic में कि जहां पर भी आपके पास a square minus x square उसका square root हो 1 over this हो या जो भी ऊपर कोई भी numerator हो उसको आपने integrate करना हो with respect to x तो आपने substitute क्या करना होता है वहां पर x is equal to a sin of theta. अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो आप पिछले से पिछला लेक्चर जो है वो दोबारा से देखें, ठीक है, उसको रिवाइज करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जहां पर भी ये फॉर्म बन रही हो a square minus x square का square root वहां पर आपने x को सब्स्टिट्यूट कर देना है a sin theta से रिप्लेस कर देना है, ठीक है. तो चलें ऐसे भी करके देखते हैं क्या ये इससे भी सॉल्व होता है या नहीं होता, क्योंकि पहले ऊपर तो हम सॉल्व कर चुके हैं u सब्स्टिट्यूशन से तो इससे भी चेक कर लेते हैं. चलें x is equal to हम पहले तो मैं इसको वो फॉर्म बना लेता हूं ना minus 2x है डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर minus x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर minus x स्क्वायर हो गया उसका हमने ले लेना. अच्छा इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट भी है और उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. अच्छा अब यहां से देखें कि ये बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
तो हमने पुट क्या करना है फिर x is equal to a sin theta होता है, a यहाँ पर a की जगह क्या है 2r है, तो 2 sin theta को हम पुट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा इसका डिफरेंशियल भी हम लेते होते हैं, ठीक है, dx is equal to 2 cos theta d theta। अब ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें, ये बन जाएगा माइनस 2, x की जगह हमने करना है 2 sin theta पुट, तो 2 sin of theta हो गया, divided by 2 square, तो उस तरह से लेगा, ये 4 बन जाएगा, 4 minus x का square, यानि कि x ये है, 2 sin theta, इसका square लें तो 4 sin square theta, और उसके ऊपर है square root, तो ये मैंने square root आ दिया, साथ में dx है, और dx आपको यहाँ से differential लेके आपको पता चला कि dx को आप put कर सकते हैं 2 cos theta d theta के equal, ठीक है, तो 2 cos theta into d theta मैंने ये put कर दिया। अब इसको हमने solve करना है, चलो solve करते हैं, ये बन जाएगा 2 इसके साथ multiply होगा, इसके साथ multiply होगा 8 बन जाएगा, यानी कि minus 8 sin theta cos theta d theta divided by 4 कॉमन आ रहा है इसमें से, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें ये 4 है और ये minus 4 sin square theta, ठीक है, तो 4 कॉमन आ रहा है, ये बाकी का बचेगा 1 minus sin square theta, और इसके ऊपर square root भी है, और बाकी ये d theta के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, d theta तो हमने पहले ही लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 1 minus sin square theta आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, अगर नहीं भी पता तो चले मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि आइडेंटिटी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पहले पढ़ी हैं, ठीक है, आपने 8th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दी होंगी, तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है, ये आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ी होगी, तो यहाँ से 1 minus sin square theta बनाते हैं, sin square theta को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 1 minus sin square theta बन जाता है, इज इक्वल टू किसके आएगा, cos square theta के, ठीक है, मतलब कि इसकी जगह हम cos square theta पुट कर सकते हैं, चलिए पुट करके देखते हैं, minus 8 sin theta into cos theta divided by 4, तो 1 minus cos square theta की जगह आ जाएगा cos square theta का square root। अच्छा, अब ये square root है इसके ऊपर, ठीक है, 4 का square root क्या होता है, 2 होता है, cos square का क्या होता है, square root से cancel हो जाएगा तो cos बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 cos theta बन जाएगा नीचे, तो numerator अभी उसी तरह से लिखते हैं, minus 8 sin theta into cos theta divided by 2 cos theta, और साथ में d theta भी साथ में लिखते जाएं कि किसकी respect से हमने इसको integrate करना, finally तो हमने integrate ही करना है ना, अभी तक हम इसको solve कर रहे हैं simplify बनाने, simplify करने के लिए, यानी कि simple बन जाए फंक्शन, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ से ये cos थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ये cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो ये 4 बना देगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन गया, माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो अब हम इसको आसानी से, ये तो कॉन्स्टेंट है माइनस 4, इसको हम बाहर ले जाते हैं, माइनस 4 इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, और अंदर बच गया हमारे पास इंटीग्रल साइन के साइन थीटा, और उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ठीक है, तो अब यहाँ से देखें साइन थीटा के आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ थीटा होती है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं माइनस 4 इंटू माइनस कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अच्छा, ये तो हमने इंटीग्रेशन कर ली, ये बन गया 4 कॉस थीटा, बल्कि साथ में अब d थीटा नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेट हम कर चुके हैं, प्लस c हम लिख देंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, तो 4 cos थीटा इसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब देखें हमें क्या होता है कि हमने पहले जो हमें जिसमें फंक्शन गिवन होता है, यानी कि जिस वेरिएबल का फंक्शन गिवन होता है उसी में हमने रिजल्ट लाना होता है, हमें ये क्वेश्चन आप अगर देखें तो इसमें क्या है, x का फंक्शन है, ये सारा का सारा x का फंक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट में आया वो थीटा का फंक्शन है, इसमें थीटा वेरिएबल आ रहा है, अब हमने इसको x में कन्वर्ट करना है किसी तरह से, जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज की थी उसी को हमने दोबारा से यूज करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हमने कहां पर यूज की थी, x इज इक्वल टू a sin थीटा हमने, यानी कि x इज इक्वल टू 2 sin थीटा हमने पुट किया था, तो यहां से अब हम इसको
जो है थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन थीटा हमने पुट किया था, तो x बाय 2 इज इक्वल टू बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस तरह से अगर मैं थीटा इज इक्वल टू लिखूँ साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2, तब भी उसमें साइन ही आ रहा है, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो साइन ख़त्म नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स नहीं करते, हम आइडेंटिटी को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। किस तरह से वो यूज़ करेंगे, x बाय 2 बन चुका है किसके, साइन थीटा के इक्वल। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। और नीचे आप देखें ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से आप फाइंड करना चाहें तो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसी को कंटिन्यू में करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि आप इसको राइट साइड पे ले आए और इसको लेफ्ट साइड, यानी कि इसको लेफ्ट साइड पे ले आए कॉस स्क्वायर थीटा को, और एक्स स्क्वायर बाय 4 को राइट साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करने तो आपको आती होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि कॉस ऑफ थीटा हमने फाइंड करना, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में क्या है, कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है। मैं कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ और उसकी जगह फिर मैं इसको पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा की, और फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, एक्स की फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि इसका हम एलसीएम फाइंड कर लें, एलसीएम ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। या फिर डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है, उसका स्क्वायर रूट को हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली इज इक्वल टू 2 होता है। तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट का साइन रहने देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू मैं पुट करूँगा, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, यहाँ पर पुट कर देते हैं, 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब इसको आप कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो ये 2 वन ज़ा 2 एंड 2 टू ज़ा 4, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या ये वही रिजल्ट ही है, किसका हमने इंटीग्रल फाइंड किया, माइनस 2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आप इसका रिजल्ट अगर कंपेयर करें जो हमने पहले दो मेथड से किया, यानी कि यूज सब्सटीट्यूशन से हमने जो फाइंड किया तो वो ये आया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करके हमने फाइंड किया उस वक्त हमारा रिजल्ट क्या आया था, विदाउट सब्सटीट्यूशन जो हमने फाइंड किया था, यानी कि थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पर हमने फाइंड किया था, ये इसका हमने किया था, बल्कि हमने यहाँ पर पहले सिर्फ समझा ही था, चलें अब यहाँ पर हम फाइंड भी कर लेते हैं क्योंकि ये थ्योरम तो बन गया था। तो फंक्शन क्या था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का की पावर माइनस 1 बाई 2, पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 बाई 2, जो कि हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों, यानी कि तीनों मेथड से हमने सॉल्व किया, सेम रिजल्ट आया, लेकिन इसमें से आसान मेथड कौन सा है, आसान मेथड ये है कि आप इसमें यूज सब्सटीट्यूशन करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बेशक जो मर्जी फॉर्म बन रही है, ठीक है, उसमें आपने कॉम्प्लेक्स जो भी फंक्शन गिवन है उसमें आपने यूज सब्सटीट्यूशन करनी है। यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि ये कोई थ्योरम या कोई इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है या सिंपल फंक्शन बन चुका है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं बनता तो आप फिर इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन की तरफ आएंगे, अदरवाइज अगर इसी से सॉल्व होता है तो सबसे आसान यही मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों मेथड्स आपके सामने सॉल्व किए, तीनों मेथड्स के ज़रिए आप ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तीनों से सेम रिजल्ट आया, लेकिन ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
हमने पुट किया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हमने जहाँ पर यूज़ की, वो मेथड थोड़ा सा लंबा था क्योंकि उसमें हमने जो है थीटा को दोबारा से एक्स से रिप्लेस करना था, वो मेथड तो उसकी वजह से थोड़ा लंबा हो गया। उसके अलावा आप देखें, अगर आप डायरेक्टली करते हैं ठीक है थ्योरम बनाकर, तो उसके कुछ लोगों को ये समझना मुश्किल होता है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले फंक्शन को सिंपल बना लें, किस तरह से, यू सब्स्टिट्यूशन की मदद से। तो फिर आपके पास जो है बहुत सिंपल आ जाता है फंक्शन, और उसको जो है इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान होता है, और दोबारा से फिर आप उसको यू से एक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लेक्चर का टाइम ख़त्म हो चुका है और हमने सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन वन कंप्लीट किया, कवर किया। तो कवर तो एक क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पर समझा आपने बहुत कुछ होगा कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है। हो सबसे जाता है ठीक है, सॉल्व सबसे हो जाता है, लेकिन कहाँ पर यानी कि टाइम कंज्यूमिंग कौन सा कम है, जहाँ कौन सा जिस पे टाइम कम कंज्यूम हो वो मेथड आप यूज़ करें, क्योंकि अपने पेपर्स में आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।